पिछले जी एक बार कुछ सालों की गल एक दुकान पर गए तो एक भैन जी से सिख भैन सी तो मैं कहती हैलो सर गुड ईवनिंग मैं भैन जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह कहती सर मैं हैल्प यू मैं भैन जी मैं उत्तों की लंघ गया सारा कुछ मैं पंजाबी कृपा करके दसो तो फिर हसन जहाँ दै पी जिदा कि इन शायद आँदी नहीं है ना तो मैं भैन जी कोई हसन वाली गल नहीं मेरे कोई गलती हो गई कि मैं पंजाबी बोली तुम मेरे हस रहे हैं तो कहती नो इट्स ओके कि कोई गल नहीं है ना तो मैं भैन जी असं पिंडा तो हाँ तो हाँ पंजाबी आँदी है ना तो वो फिर थोड़ा जहा दूजियां जाके दस जिदा इदा जहाँ करे भी दिसी जहा आ गया ना फिर मैंने बेनती की मैं भैन जी गुरु साहब जी की कृपा ने मैं सत्त भाषा आदि वा पर मैं जो किसी सिख न मिलदा किसी पंजाबी मिलदा वा तो मैं उदा अंग्रेजी में गल कर कोई माण महसूस नहीं करता जो मैं किसी गोरे मिलता मैं जरूर उदा अंग्रेजी बोलता वा जो कि स्पैनिश में बोलता स्पैनिश बोलता जो कतलान बोलना कतलान बोलता फ्रेंच में बोलना तो फ्रेंच गल करता पर जो मैं किसी सिख में मिलता किसी पंजाबी मिलता मेरी जमीर इजाजत नहीं देती कि मैं उदा अंग्रेजी या हिंदी गल करा ठीक है सो ये सारिया के चरणों च बेनती आ जिहड़ी अपनी बोली आ ये साडा माण आ साडी पहचान आ इहनू हमेशा ठीक है जो असीं गोरियां च विचरदे हुण अपना आनंद कार्य का कार्ड हुंदा उह वी अंग्रेजी छापद आ अगों सारे गोरियां थोड़ी होना हुंदा तुहाडे व्याह ते पंजाबियां ने आना तुहानूं पंजाबी दे दो ते सो इदां दीआं निक्की निक्की चीज़ां जिहड़ियां आपां इक साडी सोच बन चुकी कि अंग्रेजी नाल आपां प्रभाव पाउंदे आ पढ़े लिखे लगदे आ तुसीं पंजाबी नाल भी पढ़े लिखे हो सकदे आ गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी नूं पता नहीं किन्नियां भाषा हुंदियां सी असीं उहनां दे पोते आ असीं उहनां वर्गे नहीं बन सकदे पर असीं भाषा जिन्नी मर्जी सिखीए पर जिहड़ी साडी मां बोली आ उह तों कदे वी दूर रहिंदी।